हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक हो गया है तुम लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर क्लैश ऑफ क्लैंस की। और ये है मेरा मेन अकाउंट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं द बेस्ट रिवॉर्ड्स ऑफ क्लैन गेम्स अगस्त 2022। यस, जो अगस्त में अभी जस्ट क्लैन गेम्स ख़त्म हुई थी 2-3 दिन पहले, मैं उसके रिवॉर्ड्स लेने की बात कर रहा हूँ और कौन कौन से बेस्ट रिवॉर्ड्स रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू माई टाउन हॉल जो TH13 है उसके हिसाब से। ये तुम लोग भी ले सकते हो। भाई बहुत लोग जल्दी कलेक्ट कर लेते, बट मैं वेट कर रहा था कि मेरा बिल्डर कब खाली हो, और जैसे ही बिल्डर खाली हुआ मैंने आ गया हूँ भाई वीडियो रिकॉर्ड करने। और अब मैं कलेक्ट करने वाला हूँ। देखते सबसे पहले हमारी सीसी ना भरी हो क्योंकि वेस्ट चला जाएगा, तो पहले सीसी खाली करेंगे यार, क्योंकि मैं लिटरली एलिक्सर भी लूटने वाला हूँ। क्लैन गेम्स के जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, ओ भाई इसमें तो बहुत माल है, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले ये खाली करूंगा। ओके, तो मेरे पास और क्या क्या है मैजिक आइटम्स में, क्या क्या है, तो बहुत सारे अपग्रेड्स होने वाले हैं वैसे आज। ओके, तो एक बुक ऑफ एवरीथिंग है, एक रियून ऑफ गोल्ड है, और मैं रियून ऑफ गोल्ड यूज भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी 1,80,00,000 स्टोरेज तो मैक्स हो ही गई है जितनी होनी चाहिए। तो ठीक है ना यार, अपना एक बिल्डर भी खाली है, अपनी रियून की भी ताकत हम यूज कर सकते हैं आज, तो यूज करते हैं। सबसे पहले ये लूट कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं भाई, ये भी थोड़ा बहुत दे देती है हमें। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो मेरे पास बुक ऑफ एवरीथिंग है, मैं उसे यूज करने वाला हूँ हीरोज पे। तो सबसे पहले अपना बुड्ढा पहला इसी पे ही यूज करेंगे। तो बुक ऑफ एवरीथिंग है सबसे पहले तो इसे, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो जो रिजल्ट है क्लैन गेम्स में उसमें एक बुक ऑफ एवरीथिंग ऑलरेडी है, और मेरे को एक जो बुक ऑफ एवरीथिंग है वो मिली थी यार 10 ईयर्स ऑफ क्लैश के इवेंट से, ये वाली 27 स्टार्स करने पे जो मिलती है। तो मैंने उसी का यूज़ करके सबसे पहले तो अपने बुड्ढे का लेवल अप करने वाला हूँ। एंड बुड्ढे का लेवल अप करेंगे हम तुरंत भाई, लगा देते हैं जल्दी से। एंड 1 2 3 बूम, हो भी गया। और बुक ऑफ एवरीथिंग के साथ यहाँ पे इसे भी खत्म करते हैं। तो ये बुक ऑफ एवरीथिंग के साथ हो गया है लेवल 36 भाई साहब। मतलब जो बुक्स होता है ना, जो मैजिक आइटम्स होता है, अगर तुम उसका सही से यूज नहीं करोगे तो ये इतनी जल्दी जल्दी तुम नहीं कर पाओगे। लास्ट 2-3 वीडियो के अंदर तुम्हें भी याद होगा मेरा 32 लेवल का वार्डन था, आज वो 36 का हो गया, और मैं अभी चाहूँ इसे 37 का भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक ऑफ एवरीथिंग एक और है। तो चलो अब कलेक्ट करने वाले हम रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं सबसे पहले यार। स्टार्टिंग में देखो क्लॉक टावर पोर्शन की हमें ज़रूरत है नहीं, 20 जेम्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे 20 जेम्स मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यूएबल है 6000 डार्क एलिक्सर की, क्योंकि एक अटैक के अंदर मैं 6000 डार्क एलिक्सर ईजिली ले आता हूँ। तो 20 जेम्स लेने वाला हूँ मैं यहाँ से। हीरो पोशन में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो यहाँ से लेंगे हम एलिक्सर। और यहाँ से क्या ले, ये 50 जेम ले कि नहीं, यहाँ पे रिसोर्स पोशन मैटर करता है क्योंकि रिसोर्स पोशन एक दिन का टाइम घटाएगा। तो रिसोर्स पोशन लेते हैं यहाँ से, एक रिसोर्स पोशन आ गया है। डार्क एलिक्सर लूँ नहीं यार, बुड्ढे को मैक्स करना है तो ये ले लेते हैं एलिक्सर। यहाँ से क्या लेना चाहिए मेरे को, गोल्ड लेना चाहिए, गोल्ड फायदेमंद लग रहा है मेरे को क्योंकि ड्यून ऑफ बिल्डर एलिक्सर यार वो वाला जो बिल्डर बेस है मेरा मोस्टली मैक्स हो चुका है, और अब उसका कोई फायदा भी नहीं अगर मैं मैक्स ना भी करूँ। तो गोल्ड ठीक है। चलो अब यहाँ जाते हैं। अब यहाँ से चाहिए मेरे को ड्यून ऑफ डार्क एलिक्सर, और मैंने भाई टोटल 4000 पॉइंट्स भी कर दिए थे, तो 4000 पॉइंट्स की वजह से मैं एक और आइटम मैजिक आइटम ऑब्वियसली ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं रियून ऑफ डार्क एलिक्सर उठा रहा हूँ और बुक ऑफ एवरीथिंग ये उठा रहा हूँ भाई। बुक ऑफ एवरीथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कलेक्ट करते हैं। ये जो मेन रिवॉर्ड्स है ये वाले तो मैंने कलेक्ट कर लिए, लेकिन अभी मेरे को मिलेगा एक फ्री रिवॉर्ड और वो है मेरी बुक ऑफ फाइटिंग। तो इसे भी क्लेम कर लेते हैं, और बुक ऑफ फाइटिंग भी आ गई है भाई। भाई साहब ये जो चाटची वाला क्लैन है ना, सीरियसली बहुत ओपी है, और अपना पूरा भर चुका भाई साहब, पूरा मतलब सच्ची भरी दिया इसने। ओके, तो हमारा बुड्ढा एक कितना मांग रहा है, 1,16,00,000 मांग रहा है, और मैं यहाँ पे अगर इस मैजिक आइटम को उड़ाता हूँ तो 37 लेवल का बुड्ढा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, एक अटैक मारना चाहिए। ओके गाइस, तो चलो यार मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास 1,13,00,000 ही और मेरे को 3,00,000 चाहिए, तो एक अटैक मार के आते हैं यार ताकि थोड़ा सा भाई हो जाए। अपने पास अपनी आर्मी ऑलरेडी ट्रेंड है, तो अटैक मारने चलते हैं जल्दी से ताकि हमारे पास हो जाए भाई। ओके, तो हमें मिल चुका है भाई यहाँ पर टाउन हॉल 12, और मैं इस बेस के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फ्लेम फ्लिंगर का यूज करेंगे। यहाँ से मेरे को क्वीन को टेक डाउन करना है, और ठीक है यार इसको अगर लूट मार के हमें 3-3.5 लाख की लूट मिल जाती तो अच्छा ही है, और मिल भी जाएगी ऑब्वियसली, और मिल भी जाएगी भाई ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता है फ्लेम फिंगर हमें। और जंगल क्वीन है ये, तो यूं ही निपटा देगा ये भाई, गंदा डैमेज हो रहा है। अरे यार ये क्वीन को पता ना लग जाए, मारने आ जाएगी। हो गया काम, कर दिया भाई, क्वीन ले गई भाई क्वीन। चलो कोई नहीं, अटैक स्टार्ट हो गया इसी बहाने अपना। मैंने सोचा नहीं था यार ये इतनी जल्दी कर देगा क्वीन। खैर मेरे को तो चाहिए मेन, तो यहाँ से इलेक्ट्रोस छोड़ते अपने सारे ईडी लून्स आएंगे, लून के साथ आएगा बुढ़ा और यहाँ पे डालेगा एक रेज स्पेल। अरे यार ये भी अलग चीज़ आ गई, कोई नहीं बुढ़े की एबिलिटी दे देते हैं। बस बस जल्दी जल्दी हो जाएगा, जैसे ही अंदर पहुँचे नहीं इनका काम हो गया। यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, बस एक रेज इधर, एक रेज इधर और एक रेज, ओ सॉरी एक फ्रीज इधर। तो भाई टाउन हॉल ख़त्म, ख़त्म हो गया भाई। यहाँ पे बेस ख़त्म, 2 स्टार तो ऑब्वियसली अपन निकाल ही लेंगे। ये वाला तो ईडी टेक डाउन कर देंगे। यहाँ पर दिक्कत आएगी, यहाँ पर है क्योंकि एक इन्फर्नो, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ क्वीन। अब देखते हैं भाई क्वीन कहाँ जाती है, क्योंकि इन्फर्नो बहुत परेशान करने वाले। सिंगल इन्फर्नो की वजह से 3 स्टार बेस नहीं हो पाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि अगर इन्फर्नो ने पकड़ लिया ईडी को तो हो गया काम। पकड़ लिया भाई, एक को तो पकड़ भी लिया भाई। सिंगल इन्फर्नो इसलिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है ईडी अटैक के अंदर, तो ध्यान से करना पड़ता है। कोई नहीं, अपने पास 90 प्लस से ज़्यादा का डैमेज है भाई। यहाँ पे टोर्नेडो भी निकल गया है, ओ इससे भी ज़्यादा क्या क्या बुरी चीज़ें हो सकती हैं। जल्दी से वॉल टूट जाए और जल्दी से यहाँ पर इसे ख़त्म कर दे, नहीं तो भाई दिक्कतें हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुश्किल लग रहा बहुत ही ज़्यादा। लेकिन 3-4 ईडी है, क्या 100% अटैक हो सकता है? 3-4 ईडी के साथ क्या 100%? एक हो गया भाई, 3 स्टार अटैक। और हमारे पास आ चुके हैं फिर से बहुत सारी लूट। और जब लूट आ गई है, ओके भाई जब लूट आ गई है तो हम इजीली भाई कर सकते हैं अपने वार्डन को अपग्रेड। और मैंने तुम्हारे लिए ये प्रोग्रेसिव बेस इसलिए लगा दिया ताकि तुमको ईजिली दिख जाए हमारा क्या क्या मैक्स और क्या क्या मैक्स नहीं है। तो ये कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं भाई अपने वार्डन के पास, जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत की है। और मेरी लैब में क्या लग रहा है मेरे को तो याद भी नहीं, मैंने लैब में लगाया क्या था, कहाँ गई मेरी लैब भाई। स्कैटर शॉट भी लगा दिया है मैंने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। लैब में हीलर लग रही है, अच्छा ग्राउंड अटैक्स के लिए मैंने हीलर लगाई होगी। फिर तो चलते यार बुड्ढे को करते हैं बुक ऑफ एवरीथिंग का यूज यहाँ पे, और यूज करना चाहिए। हाँ यार क्लैन गेम्स आ रही है, क्लैन वॉर लीग आ रही है, तो यूज करना चाहिए बुक ऑफ एवरीथिंग। यहाँ यूज कर लिए और 37 लेवल, 2 लेवल्स अप इन जस्ट 1 अटैक। ओके तो 2 लेवल अप हो चुके हैं हमारे भाई। और अभी भी हमारे मैजिक आइटम्स में बहुत माल है खर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं रिसर्च पोशन का यूज कर लेता हूँ यार जल्दी से, ताकि एक दिन मेरा माइनस हो जाए। और अभी भी मेरे पास बुक ऑफ फाइटिंग पड़ी है, र्यून ऑफ डार्क एलिक्सर पड़ा है, र्यून ऑफ गोल्ड पड़ा है। क्या करना चाहिए यार, एक बिल्डर भी खाली है अपना। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इस गोल्ड को इन्वेस्ट करते हैं। गई इस गोल्ड को कहाँ लगाए? अपनी मेन चीजें, अपना एक आर्चर टावर बच रहा है जो TH12 पे, एक नहीं एक्चुअली 2 बच रहे जो मैंने TH12 पे मैक्स नहीं किया था। और तो कुछ है नहीं, तो ऐसा करते हैं आर्चर टावर लगाएं क्या? मेरा नेक्स्ट बिल्डर भी भाई काफी टाइम में खाली होगा। छोड़ो भाई मैं TH लगा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। 8 दिन का TH का हमें इसे अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, तो ये लगा देता हूँ मैं सारा गोल्ड TH के ऊपर। 1 2 3 बूम। तो भाई ये चला गया 8 दिन तक मेरा बिल्डर भाई। अब पूरी मेहनत के साथ गीगा इन्फर्नो जो टाउन हॉल का है उससे अपग्रेड करेगा। और भाई इसी के साथ जो मैजिक आइटम्स का यूज था, बेस्ट यूज इन द TH13। और भाई देख रहे हो मतलब अभी भी मेरे पास इतने मैजिक आइटम्स बचे हैं, मेनली 3 अभी भी बच रहे हैं। मैंने बुक ऑफ एवरीथिंग 2 बार यूज भी कर ली, फिर भी मेरे पास इतने मैजिक आइटम्स बच रहे हैं। तो ये है भाई एक प्रॉपर गाइड, तुम मैजिक आइटम्स को किस तरीके से कलेक्ट करो जो तुम्हें यूजफुल रहे और तुम्हें अच्छे से यूज कर पाओ। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तुमसे इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।